Hey, what is up guys? In this video I will show how to create this Instagram promo. Firstly, description mein jaakar is link se project file download kar leni hai. And click this download button. Dusri window open hogi and wait a second, done. Then download folder mein jaakar ise extract kar lena hai. Now open in After Effects. Basically हमें यहाँ दो pictures import कर लेनी है. One is main profile picture and second is post picture. यहाँ double click करके हम import कर लेंगे अपनी picture like this. यहाँ composition में हमें change the profile photo दिख रहा है, हमें double click करना है. Both layers को delete करके यहाँ हमें import कर लेना है अपना main profile picture. As you can see इसे रिसाइज कर लेना अकॉर्डिंग टू यू नीड. गो बैक ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट, नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेंज द पोस्ट पे डबल क्लिक करना है. वही सेम स्टेप करना है, इन दोनों लेयर्स को हमें डिलीट करके इंपोर्ट करना है मेन पोस्ट फोटो. इसे एडजस्ट कर लेंगे पोजीशन एंड साइज को. एंड बैक हमें इंस्टाग्राम पोस्ट पर आ जाना है. यहाँ थोड़ा जूम करके हमें हैंड टूल सेलेक्ट कर लेना है लाइक दिस. फिर आपसे सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करना है हमें यूज़र नेम पे. एंड टाइप करना है अपना टेक्स्ट. अब स्क्रॉल अप करने के बाद हमें नेम पे क्लिक करना है. एंड टाइप करना है अपना नेम. सेकेंड थिंग इज़ अगर आपकी पोजीशन परफेक्ट नहीं आ पा रही है टेक्स्ट की तो आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस. बाय द वे पोजीशन इम्परफेक्ट होने के बहुत कम चांस है. नाउ हमें एच प्रेस करके हैंड टू सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे मूव करना है. यहाँ आइकन्स को अनहाइड कर देते हैं. अब टॉप लेयर पर आ जाना है. इस पर क्लिक करके आप कैप्शन एडिट करना है. कंट्रोल टी प्रेस करके टैब टूल सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको डिलीट करके यहाँ अपना कैप्शन टाइप करना है जैसा कि आप देख रहे हो. आफ्टर द कैप्शन इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे और यहाँ न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे लाइक दिस. परफेक्ट. अब यहाँ एंटर लाइक लेयर पे क्लिक करके लाइक सेट कर लेते हैं. ऑल्सो इसमें वेरीफाइड साइन ऐड कर सकते हैं. सिंपली ब्लू टिक की लेयर को हाइड कर देते हैं. नाउ वर्क इज डन. अब प्रीव्यू करते हैं. एक्सीलेंट. कंट्रोल एम प्रेस करके रेंडर के ऊपर आ जाना है एंड लॉसलेस पे क्लिक करना है. फॉर्मेट सेट कर देना है क्विक टाइम. फॉर्मेट ऑप्शन पर जाना है. इसमें यही रहने देना है H.264. और नीचे रिसाइज पे टिक करने के बाद हमें यहाँ रिसाइज इसका करना है 1920x1080. देन ओके कर देना है. फाइनली क्लिक ऑन रेंडर बटन. Thanks for watching and don't forget to subscribe.